पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने आज राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अलावा कई विधायक भी शामिल रहे। इस दौरान डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सरकार वो होती है जो मूल्य वृद्धि को रोक सके और रोजगार दे सके। वहीं विरोध प्रदर्शन में मौजूद अन्य नेताओं और विधायकों ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। पेट्रोल डीजल का दाम लोग कहते थे कि आसमान छू रहा है। लोगों ने यहाँ भी कहा कि 100 तक उम्मीद किया कि 100 तक रहेगा, ये 100 से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब 100 से आगे बढ़ गया पेट्रोल डीजल का दाम। 105 106 अलग अलग राज्यों में है, तो लोग कहना शुरू करें लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम तो अब स्पेस में चला गया, जैसे विदेश के लोग स्पेस जा रहे हैं स्पेस यात्रा में, उसी तरह पेट्रोल डीजल का दाम स्पेस यात्रा में चला गया, बहुत बढ़ गया। हमारी मांग है कि इस पेट्रोल डीजल का दाम कम हो, अन्य वस्तुओं का भी दाम कम हो, ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये तो आप लोग भी जान रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब पेट्रोलियम पदार्थ के दाम विदेशों में 108 से 118 डॉलर था, तब हम लोग यहाँ के लोगों को 55 रुपया में डीजल देते थे, लेकिन आज 44 से 45 65 तक आया और ये 100 रुपया में दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सिर्फ पेट्रोल डीजल और रसोई गैस नहीं, खाने पीने के सामान, तेल जो हो गया और भी दूसरा वस्तु है, सब चीज़ के दाम बढ़ी है। हम इसका विरोध करते हैं और मोदी सरकार को संज्ञान में लेकर इन चीज़ों पर राहत पहुंचाना चाहिए। ये बस कांग्रेस नहीं मान रही है कि दाम बढ़ रहे हैं, हर भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति मान रहा है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो मीडिया पर्सन हो, चाहे वो कर्मचारी हो, सभी मान रहे हैं कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल दाल तेल सबका दाम बढ़ा है, निश्चित तौर पर मोदी सरकार को इसमें सोचना चाहिए। लेकिन एक बात है कि उस समय मोदी सरकार के लोग विरोध करने में आगे रहते थे जब कांग्रेस का राज था, लेकिन आज मोदी जी के चलते उनके ही लोग डर के कोई विरोध नहीं कर पा रहा है। और निश्चित तौर पर हमारे जो नेता राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि डरोगे नहीं तभी जीवित रहोगे हिंदुस्तान में, तो आज वही चीज़ दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने तो सबको डरा के रखा हुआ है। जो उनके खिलाफ जाता है कभी CBI करा देते हैं, कभी इनकम टैक्स करा देते हैं, मायावती जी को डरा के रखे हुए, अखिलेश जी को डरा के रखा हुआ है, तो ज़्यादातर मीडिया में आ नहीं पा रहा है इस बात को। लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में पब्लिक वोट के वोट से विरोध प्रदर्शन जरूर दिखाएगी। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।